कि आपके इस्तीफे की वजह क्या रहेगी। एक सिंपल सी है जो राजस्थान पत्रिका में स्पष्ट भी हुआ, अगर यदि मैं रहता हूँ तो तीन ही परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है क्योंकि पांच परीक्षाएं उसके बाद। इन आठों परीक्षाओं का आयोजन करवाने के बाद आपका जो इस्तीफा है वह स्वीकार पास है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद मैं रह नहीं सकता, 7 अक्टूबर तक तो मुझे फ्री होना ही होना है। सकारात्मकता के साथ कुछ नकारात्मकता, ऐसी तीन भर्तियां जिनको आप देखते हैं कि बोर्ड की एक छवि पर इन्होंने दाग लगाने की कोशिश की है, पेपर लीक माफिया या नकल। फॉरेस्ट गार्ड का एक पेपर था तो उसमें एक्चुअली कुछ प्रश्न परीक्षा शुरू होने से घंटा भर पहले लिमिटेड कुछ लोगों तक पहुँचे। जबरदस्त चर्चा थी कि हरिप्रसाद जी राजनीति के अखाड़े में उतर सकते हैं। स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन मैं अभी तक मैंने इस मामले में कोई विचार नहीं किया। अभी विधानसभा में एक बिल आया है सर, उम्र कैद की सजा पेपर लीक माफिया के खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं क्योंकि युवाओं की सालों से मांग नहीं। ये इससे पॉजिटिव इफेक्ट निश्चित रूप से गया और बोर्ड की सतर्कता और इस कानून दोनों मिलकर निश्चित रूप से नकल माफिया पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ललित वर्मा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। देखिए, पिछले कुछ दिनों से एक सवाल प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के मन में कौंध रहा है और यह सवाल है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने इस्तीफा क्यों दिया है, क्योंकि जो उनका कार्यकाल है वह अक्टूबर में खत्म हो रहा है और अक्टूबर तक 8 परीक्षाओं का आयोजन होना है। ऐसे में परीक्षाओं से पहले उनका इस्तीफा पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। हरिप्रसाद शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर। सर, सबसे पहले जो युवा प्रदेश के तकरीबन 27 लाख युवा ये जानना चाहते हैं कि आपके इस्तीफे की वजह क्या रहेगी। एक सिंपल सी है जो राजस्थान पत्रिका में स्पष्ट भी हुआ है कि बेसिकली 8 परीक्षाएं सितंबर अक्टूबर में निर्धारित है। मेरा पीरियड 7 अक्टूबर को पूरा होता है, तब तक अगर यदि मैं रहता हूँ तो तीन ही परीक्षाओं का आयोजन हो सकता है क्योंकि 5 परीक्षाएं उसके बाद की है। तो निश्चित रूप से एक नया चेयरमैन आएगा तो वो 8 परीक्षाएं आयोजित करवा सकता है। तो एक ये छात्रों के हित में है कि 3 के बजाय 8 परीक्षाओं का आयोजन हो। इसी को मद्देनजर रखते हुए और छात्रों के हितों को देखते हुए ही मैंने ये प्रस्तावित किया। सर, 3 साल से आप बोर्ड की कमान संभाले हुए हैं, 3 साल एक लंबा समय होता है और अगले 3 महीनों में 8 बड़ी परीक्षाएं होनी है, तो क्या आपको लगता है कि इन 8 परीक्षाओं का आयोजन करवाने के बाद आपका जो इस्तीफा है वह स्वीकार हो, क्योंकि नया चेयरमैन आएगा। देखिए, समझने में बहुत समय लग जाता है क्योंकि ये बोर्ड है और युवाओं को खुश करना बहुत मुश्किल है। बात सही है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद मैं रह नहीं सकता, जैसे नियमानुसार मेरा 60 पीरियड पूरा हो जाता है तो वो रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए 7 अक्टूबर तक तो मुझे फ्री होना ही होना है। लेकिन 7 अक्टूबर तक केवल 3 परीक्षाएं पूरी हो पाती, 5 परीक्षाएं उसके बाद की, तो वो कराने के लिए इट इज बेटर, हर दृष्टि से वो ही उचित रहता है कि एक ही आदमी संपन्न करवाए और वो नया ही हो सकता है, मैं नहीं हो सकता। आपके इस्तीफे देने के बाद जो प्रशासनिक गलियारा है इसमें चर्चाएं काफी तेज हैं कि सरकार आपसे कह रही है कि अपने रिटायरमेंट तक तो आप काम संभालें और इन परीक्षाओं की पूरी रूपरेखा तैयार कीजिए ताकि नए चेयरमैन को समस्या ना हो। तो वो सही है, पर तकनीकी रूप से ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो नया आने वाले को मैंने 1.5 महीने का तैयारी के लिए समय चाहिए और 7 अक्टूबर के बाद उनको समय मिल नहीं पाता, तो यही समय मिल सकता है। तो सब दृष्टि पर विचार करने के बाद ही मैंने उनसे उच्च स्तर पर अवगत कराया और उन्होंने इस तथ्य को समझा है और केवल छात्रों के हित से और बोर्ड के हित की दृष्टि से यही उचित रहेगा कि एक ही आदमी इन 8 परीक्षाओं को आयोजित कराए और मैं किसी भी सूरत में 3 से ज़्यादा करा नहीं सकता, तो वो नया व्यक्ति ही हो सकता है तो 8 कराएं। तो इन सारे पहलुओं पे विचार होने के बाद भी इस चीज़ को समझा गया और यही मेरे ख्याल में छात्रों के हितों की दृष्टि से उचित है। सर, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं, 2.5 सालों का आपका कार्यकाल हो चुका है और उससे पहले की अगर बात की जाए 7 साल के 3 अध्यक्षों के कार्यकाल, चेयरमैन के कार्यकाल, 3 कार्य जो चेयरमैन थे उनके कार्यकाल में 66 भर्तियां हुई, आपके 2.5 साल में 101 भर्तियां हुई। आपके कार्यकाल के दौरान 1,12,75,904 आवेदन प्राप्त हुए, 1,08,174 परीक्षार्थियों की जो पद हैं उनकी भर्तियों का आयोजन हुआ और वो सफल आयोजन हुआ, इसको किस रूप में देखें।
ये मैं एक ही देखता हूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड में जो भी हमारे कर्मचारी हैं, हम सब ने मिलकर टीम वर्क के साथ कार्य किया, और कोई भी संस्था बेस्ट रिजल्ट तभी दे पाती है जब वो टीम वर्क के साथ में काम करे, एक उद्देश्य के साथ काम करे। और मुझे ये बताते हुए गर्व की बात है कि हमारे सारा श्रेय उन 125-150 कर्मचारियों को है जिन्होंने टीम वर्क के साथ पूरी मेहनत के साथ काम किया। सर 101 भर्तियों में आप उन 3 भर्तियों को कौन सा रखेंगे जो आप अपने कार्यकाल में सबसे बेहतरीन रूप में देखते हैं कि ये 3 भर्तियां मेरे कार्यकाल की टॉप 3, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में रहे हुए हैं, पुलिस विभाग में रहे हुए हैं, तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो हमेशा अपने चहेते होते हैं, तो 3 ऐसी कौन सी भर्तियां हैं? एक्चुअली एक तो पटवारी बहुत चुनौतीपूर्ण थी, वो सफलतापूर्वक संपन्न, एक बहुत बड़ी भर्ती थी फॉरेस्ट की, करीब 22 लाख थी, वो हमारे लिए बहुत सफलतापूर्वक ये रही। और तीसरी अगर मैं समझता हूँ, ये जो रीट है, ये नो पेपर जो है, वो वाकई चुनौतीपूर्ण थे, ये सकुशल संपन्न थी। सकारात्मकता के साथ कुछ नकारात्मकता, ऐसी 3 भर्तियां जो जिनको आप देखते हैं कि बोर्ड की एक छवि पर इन्होंने दाग लगाने की कोशिश की है, पेपर लीक माफिया या नकल गिरोने? हाँ, नकल माफियाओं ने, मैं कह सकता हूँ एक फॉरेस्ट गार्ड का एक पेपर था, जैसे उसमें एक्चुअली कुछ प्रश्न परीक्षा शुरू होने से घंटा भर पहले लिमिटेड कुछ लोगों तक पहुँचे थे, हमने उचित तुरंत निर्णय लिया और उसको निरस्त करके दोबारा सफलतापूर्वक परीक्षा आयोजित करवा दी। इसके अलावा ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं। सर पिछले दिनों एक बहुत ज़बरदस्त चर्चा थी, एक व्यक्तिगत सवाल भी है ये मेरा, कि एक ज़बरदस्त चर्चा थी कि हरि प्रसाद जी राजनीति के अखाड़े में उतर सकते हैं। देखो प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन मैं अभी तक मैंने इस मामले में कोई विचार नहीं किया, यहाँ से फ्री हो जाता हूँ तो मैं भी एक इस दृष्टि से विचार करने के लिए स्वतंत्र हूँ, वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं। इस्तीफा स्वीकार होने के बाद हम हरि प्रसाद जी को किस भूमिका में देखने वाले हैं? अभी तक कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, ये सब कुछ भविष्य की गप है। इसके अलावा कुछ ऐसा मैसेज, क्योंकि 2.5 साल युवाओं का आपसे एक जुड़ाव हो गया है, मैंने कई बार यहाँ देखा है कि युवा आते हैं वो संतुष्ट होके जाते हैं, हालांकि सब नहीं हो पाते हैं, हमेशा मांगे ये चलती रहती है, युवाओं को ऐसा क्या मैसेज देंगे कि बोर्ड पर उनका जो विश्वास है वह कायम रहे, चाहे अध्यक्ष आप हैं चाहे नए हैं? इसमें कोई दोराय नहीं, ये मान के चलना चाहिए कि बोर्ड में कोई भी चेयरमैन हो, कोई भी अधिकारी, वो पूरे मन से ये प्रयास करता है कि परीक्षाएं निष्पक्ष हो, पारदर्शी से हो और फेयर हो। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये बात जैसा वातावरण है, जैसा नकल माफिया है, जैसा होता है, वो अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते हैं, लेकिन अगर बोर्ड सतर्क और सावधान है तो काफ़ी हद तक उन पर नियंत्रण कर पाता है। लेकिन फिर भी मैं युवाओं को ये कहूँगा कि वो अपनी मेहनत पे और उसी पे योग्यता पे भरोसा रखें। एक चीज़ और विशेष रूप से कि सरकार की नौकरियों की संख्या बहुत सीमित है, 5 साल में कोई भी सरकार 1.5-2 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ नहीं दे सकती। वर्तमान सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ देने की कोशिश की, इवन देन एक सीमा से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसकी लिमिट है। परीक्षा देने वाले शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 66 लाख के करीब है, नौकरियां मिलेंगी 1.5-2 लाख, 64 लाख के 3 महीने पहले, तो उनको निजी क्षेत्रों पे और अपनी उद्यमशीलता पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी समस्या है, व्यापक समस्या है, और पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में, इसमें राजस्थान में भी है। बच्चों को अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देना चाहिए, सब कुछ सरकारी नौकरी पे ही फोकस नहीं करना चाहिए। 21वीं सदी में आप सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रह सकते, यानी कि आपके छोटे छोटे स्टार्टअप न सिर्फ आपको रोजगार देंगे, साथ ही रोजगार देने के माध्यम भी बनाएंगे, ये मैसेज? बिल्कुल स्पष्ट सही है, मैं पूर्णतः सहमत हूँ। अभी विधानसभा में एक बिल आया है सर, उम्र कैद की सजा, पेपर लीक माफिया के खिलाफ, इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि युवाओं की सालों से मांग नहीं? ये इससे पॉजिटिव इफेक्ट निश्चित रूप से गया, और बोर्ड की सतर्कता और इस कानून दोनों मिलकर निश्चित रूप से नकल माफिया पर नियंत्रण हो पाएगा। ये मेरा अंतिम सवाल, 4 महीने पहले मेरा एक आपसे इंटरव्यू था और आपने एक बात कही थी कि राजस्थान में परीक्षा एजेंसियों पर बेरोजगार सबसे ज़्यादा दबाव बनाते हैं परिणाम किसी भी चीज़ को लेकर, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है, क्या आज भी वही स्थिति है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बोर्ड ने उनकी बेरोजगारी की अपेक्षाओं के अनुरूप उससे ज़्यादा काम किया तो अपेक्षाएँ बढ़ती गई, और वो अब पूरा फोकस ये रखते हैं, दबाव बनाते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट हो, क्योंकि उसके लिए एक प्रक्रिया का पालन होना बहुत ज़रूरी होता है, वो है, तो वो मैं
यही कहना चाहूंगा कि अनावश्यक जल्दी निकालने से या दबाव बनाने से कोई प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। हमने कोशिश की फास्टेस्ट, हमने सबसे तेज गति से रिजल्ट भी दिए, लेकिन वो भी एक कम से कम न्यूनतम समय तो चाहिए प्रक्रिया पूर्ण करने। सर, जब तक आप बोर्ड के इस कुर्सी की शोभा बढ़ा रहे हैं, तब तक क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? कोई ऐसी भर्तियां जो पेंडिंग है, कुछ परिणाम या आने वाला कोई रोड मैप? ज्यादातर जो हमारे अपेक्षा के अनुरूप थे वो रिजल्ट जारी हो चुके, क्योंकि उनकी डीवी की प्रक्रिया चल रही है, जैसे रीट वगैरह, उसमें अपना थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जो हम कर सकते थे वो लगभग सभी परिणाम जारी कर दिए, उस प्रक्रिया दी ना, वो प्रक्रिया पूरी होते ही हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं। बात बिल्कुल, हमारे साथ हरिप्रसाद जी थे, और इस्तीफा देने के बाद लगातार राजस्थान के युवा बेरोजगार ये जानना चाह रहे थे कि इस्तीफे की वजह क्या रही, क्योंकि अक्टूबर और सितंबर में 8 बड़ी भर्तियां होनी है। ऐसे में जो 2.5 साल से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शर्मा जी निभा रहे थे, उससे अचानक इस्तीफा देने की बात कहाँ आ गई? तो हरिप्रसाद जी ने हर सवाल का विभागीय से जवाब दिया। इसके साथ ही युवाओं को भी एक मैसेज दिया है कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं रहना, अपना स्टार्टअप करना, खुद पैरों पर खड़े होना, इसके साथ ही जो युवा हैं उनके लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करने की अगर सोच रहेगी तो हर किसी को सरकारी नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, और मैं हूं ललित वर्मा।